देवरिया लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी जनसंपर्क पर देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन देवरिया लोकसभा में ऐतिहासिक जीत का दावा किया, इस बार इंडिया गठबंधन रंग लाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने TV24 संवाददाता से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं TV24। इस टाइम देवरिया लोकसभा में है मौजूद हूँ और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बार की क्या तैयारियां हैं। अखिलेश जी, इस बार की क्या तैयारी? तैयारी जबरदस्त है, जनता बहुत जोश और उमंग में है इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। 10 वर्षों से यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे जिला पंचायत की सरकार हो, चाहे नगर पालिका की सरकार हो, लेकिन बीजेपी ने देवरिया जनपद के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। यहां तक कि आदरणीय मोदी जी ने भी जो भी बोला या मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वो सब असत्य बोला है। इसी कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और बताया तो इस तरह था जैसे मानो कि सिंगापुर अब कुशीनगर देवरिया में आ जाएगा, इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इतने फ्लाइटें आएंगी, इतने होटल बनेंगे, इतनी इंडस्ट्री आएंगे। क्या हुआ? वो एयरपोर्ट बंद है, एक सफल परीक्षा नहीं करा पा रही, इसमें लोगों की नौकरी लग जाए। विधायकी की बात करते हैं, आपने विधायकी भी लड़ी है, लोकसभा अटेम्प्ट कर रहे हैं जी। क्या जनता के बीच जब जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, जनता को एक उम्मीद है कि जब हम विधायक थे तो विपक्ष के विधायक रहते हुए हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, लोगों को यकीन है और उससे बड़ा यकीन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पे है कि ये दोनों पार्टियां काम करती हैं, झूठे वादे नहीं करते, सब्जवाग नहीं दिखाते, असत्य नहीं बोलते हैं, काम के आधार के पे वोट मांगते हैं और काम करते हैं। तो लोगों को उम्मीद है कि अब 10 साल किसी को टेस्ट किया बहुत हुआ, अब बस बाबा बस, अब नहीं, अब इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को। गठबंधन रंग लाएगा आपको लगता है? गठबंधन रंग ला चुका है, बीजेपी का सफाया हो रहा है, मोदी जी भी फंसे हुए हैं, उनकी सीट भी नहीं निकलने वाली, वहां से अजय राय जी जीत रहे हैं। बीजेपी नारा दी है 400 पार, क्या कहना है इस पे? वो 4 महीने पहले दिया था, अब तो उसका शब्द भी नहीं उच्चारण करते क्योंकि उन्हें पता है 140 पार भी नहीं होने वाले, वो अब 140 भी नहीं पार कर पा रहे हैं, अब वो नहीं बोलते। जी हाँ, अखिलेश जी का तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर यहाँ पे गठबंधन जो है वो रंग लेके आएगी। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रूबी सिद्दकी, देवरिया।